महुआ थाना क्षेत्र के महुआ हाजीपुर मुख्य मार्ग के फुलवारिया गांव स्थित एक पेट्रोल पंप पर सुबह 5 बजे बाइक सवार दो अपराधी रिवॉल्वर के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचे और सभी कर्मियों को बंदूक के बल पर बंधक बनाकर करीब 1.25 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान बदमाशों ने कर्मियों के साथ मारपीट भी की। अपराधियों के चले जाने के बाद कर्मियों ने इसकी सूचना महुआ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही महुआ थाना अध्यक्ष प्रभात रंजन सक्सेना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की छानबीन में जुट गए थे, जिसके बाद पुलिस ने जांच अभियान तेज करते हुए 24 घंटे के अंदर इस लूट कांड का उद्भेदन कर लिया। साथ ही इस घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी के पास से एक कट्टा, एक कारतूस व लूट के रुपए में से 14,650 रुपए एवं एक चाकू के एक मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इस लूटकांड की घटना में अन्य संलिप्त अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दी है। इस लूटकांड के बाद पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था, जिसके बाद वैशाली पुलिस कप्तान रवि रंजन ने इस लूट की घटना की गंभीरता को देखते हुए एक टीम की गठन की थी। पुलिस कप्तान के मिले निर्देश के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महुआ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें महुआ थानाध्यक्ष एवं जिला आसूचना इकाई के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर घटना में संलिप्त अपराधियों को हथियार एवं लूट के रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 22/11/23 को महुआ थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप पर 1.25 लाख रुपए लूट की घटना प्रतिगृहित हुई थी। इस घटना के उद्भेदन के लिए डीपीओ महुआ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा मानवीय सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में शामिल कुल 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, लूटे हुए रुपए में से 14,000 रुपए, एक चाकू और एक मोबाइल फोन, इसकी बरामदगी की गई है। इन सभी का आपराधिक इतिहास अभी हम लोग पता लगा रहे हैं।